Hello friends, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar presenting today's video on our YouTube platform Agriverse Education. Guys, I hope you all are well. Friends, in today's video, we are going to discuss about the important questions on rice. Uh, there will be around 50 questions which may asked in your upcoming competitive examinations. So without any further delay, let's begin with the first question. The question is What is the chromosome number of rice? so here the right answer is 2n is equal to 24 and the second question is what is the sowing time of summer rice as called as boro rice in west bengal and dalwa in odisha so here the right answer is december to january so सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि rice के तीन type होते हैं एक होता है as rice जिसको हम autumn rice भी कहते हैं as rice और दूसरा होता है हमारा aman rice और तीसरा जो third जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं borow rice तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम बोरो राइस को समर राइस क्यों कह रहे हैं देखो समर राइस हो गया विंटर राइस हो गया हम इस बेसिस पे कह रहे हैं कि जो उसका हार्वेस्टिंग टाइम है जैसे बोरो राइस का हार्वेस्टिंग टाइम होता है इन समर देखो मैंने इसका आंसर बताया था दिसंबर टू जनवरी इसका सोइंग टाइम होता है बोरो राइस का और हार्वेस्टिंग टाइम जो होगा वो होगा हो समर में अब तीनों का देख लेते हैं पहले होता हमारा अस राइस जिसको हम ऑटम राइस भी कहते हैं इसकी सोइंग हम करते हैं अराउंड अप्रैल टू मई में और इसका जो हार्वेस्टिंग होगी वो डी ऑटम में और जो सेकेंड था अमन राइस अमन राइस की सोइंग की जाती है जून टू जुलाई जो जिसको हम खरीफ राइस भी बोलते हैं इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है विंटर में तो इसको विंटर राइस भी कहा जाता है और जो थर्ड जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं बोरो राइस की इसकी सोइंग की जाती है दिसंबर टू जनवरी एंड हार्वेस्टिंग इन समर अदर ऑप्शन यहाँ पर को इंक्लूड किए गए हैं जैसे अप्रैल टू मई ये सोइंग टाइम है हमारे अस राइस की और जो जून टू जुलाई है यह है स्विंग टाइम ऑफ अमन राइस एज कॉल्ड एज खरीफ राइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइस प्रोटीन इज नोन एज हेयर द ऑप्शन आर ग्लूटेन और आइजिनिन जीन एंड कैसिन तो हेयर द राइट आंसर इज औरिन देखो अदर ऑप्शन को देखें अगर हम ग्लूटेन जो होता है वो प्रोटीन पाया जाता है वीट में और जो जीन है ये पाया जाता है मेज में और जो कैसिन है ये पाया जाता है मिल्क में ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस इज हेयर द ऑप्शन आर टू ग्राम ट्वेंटी फोर ग्राम ट्वेंटी वन ग्राम एंड फोर्टी ग्राम सो हेयर द राइट आंसर इज ट्वेंटी वन ग्राम देखो अगर क्वेश्चन ये होता कि टेस्ट वेट ऑफ राइस इज़ तो यहाँ पर आंसर होता है ट्वेंटी फोर ग्राम पर यहाँ पर क्या पूछा गया है कि बासमती राइस का टेस्ट वेट क्या होता है तो इसका सही आंसर होगा ट्वेंटी वन ग्राम अदर ऑप्शन को देख लेते हैं टू ग्राम होता है हमारा फैलरिस माइनर जो कि एक वीड है इन केस ऑफ वीट एंड फोर्टी ग्राम ये होता है टेस्ट वेट वीट का चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं विच टाइप ऑफ राइस इज डोमिनेंट इन एमाइलो इसका सही आंसर है जैपोनिका राइस इसको हम स्टिकी राइस भी बोलते हैं जो स्टिकीनेस होती है इस राइस की वो एमाइलो की वजह से ही होती है तो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि जेपोनिका राइस जो जापान की राइस है इसमें एमाइलो की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइस कंटेंट हाउ मच प्रोटीन कंटेंट आपको बताना है कि राइस में प्रोटीन कंटेंट कितना होता है उसका सही आंसर है सिक्स टू सेवन परसेंट इसमें एक चीज़ और इंक्लूड करी मैंने ऑप्शन में फोर्टीन टू ट्वेंटी फाइव परसेंट यह हमारा जो राइस ब्रांड में ऑयल पाया जाता है उसकी क्वांटिटी है ये फोर्टीन टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रूट ऑफ राइस इज़ नोन एज द राइट आंसर इज़ कैरियोप्सिस आपको पता भी होगा कि पोएसी फैमिली के जितने भी ग्रेन्स हैं उनके फ्रूट टाइप को हम बोलते हैं कैरियोप्सिस अदर ऑप्शन को देख लेते हैं जो पहला ऑप्शन है बलुस्टा यह है फ्रूट टाइप ऑफ पॉमग्रेनेट हिप यह है रोस का और जो कैप्सूल है यह ओकरा का फ्रूट टाइप द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरोमा इन राइस इज़ ड्यू टू विच कंपाउंड जो राइस में खुशबू होती है एरोमा ये किस वजह से होती है इसका सही आंसर है डाई एसिटाइल वन पायरोलिन तो ये अधिकतर एग्जाम में पूछा भी जाता है तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा इसमें हो सकता है कि ऑप्शन में वहाँ कन्वर्ट करके दे दें एक्सचेंज करके देंगे जैसे वन को पहले कर दिया है दो को बाद में कर दिया तो आप ये याद रखिएगा कि डाई पहले आता है और वन बाद में आता है डाई एसिटाइल वन पायरोलिन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग प्रिपरेशन इन डेपॉक मेथड इज़ तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं इसमें जो जो सही आंसर है वो है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मीटर स्क्वायर देखो यहाँ एक रूल काम करता है आपने तीन सुना तीन चीज़ें सुनी होंगी एक होगा एस आर आई एक सुना होगा डेपॉक और एक जो नॉर्मल वेट नर्सरी कहते हैं जिसे हम जो जनरली हम यूज़ करते हैं तो इसमें एक रूल लगता है कि जो डेपॉग मेथड है इसमें वन रेशो टू फिफ्टी का रखा जाता है वन रेशो टू फिफ्टी वन तो हो गया हमारा मेन फील्ड का एरिया और टू फिफ्टी हो गया हमारा जो हम नर्सरी जिसकी ग्रो कर रहे हैं उसका एरिया जैसे एक हेक्टेयर के लिए निकाल लें तो टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी और जो डेपॉग मेथड है उसमें रूल लगता है नी सॉरी डेपोक कह रहा हूँ एस आर आई मैथड एस आर आई मैथड में रेशो लगता है वन रेशो हंड्रेड आप देख भी रहे होंगे यहाँ हंड्रेड मीटर स्क्वायर आ रहा है एरिया तो जो टेन तो थाउजेंड मीटर स्क्वायर एरिया है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे हंड्रेड से तो आएगा हंड्रेड मीटर स्क्वायर और तीसरा जो ये है सेवन हंड्रेड तो टू एट हंड्रेड मीटर स्क्वायर ये जनरली जो हम यूज करते हैं वेट नर्सरी में इसका रेशो होता है वन रेशो टेन एक रेशो हो गया मेन एरिया का टेन रेशो और जो ये रेशो टेन है ये है नर्सरी के लिए तो मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी डाल हैं जैसे डेपॉग मैथड के बारे में दिया है और एस आर मैथड के बारे में देखो डेपॉग मैथड है इसको डेवलप किया था इरी मनीला फिलीपींस में और इसमें साइंटिस्ट थे एच लॉलेन इसको याद रखिएगा एच लॉलेन और एस आर आई मेथड वॉज डेवलप्ड इन मेडागास्कर इन नाइनटीन एटीज़ अब बात करी जाए कि कितने दिनों में जो इसकी राइस की सीडलिंग्स हैं वो तैयार हो जाती हैं डेपोक केस में बारहवें दिन जो ये सीड है या सीडलिंग है तैयार हो जाती है, 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 है फॉर ट्रांसप्लांटिंग और एस आर आई मेथड में एट टू ट्वेल्व डेज़ स्पेसिंग की बात करें तो एसआरआई के, के केस में जो स्पेसिंग है 25 फाइव इंटू सेंटीमीटर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में पूछ भी जाती है तो इसको आप जरूर याद रखिएगा एरिया की हमने बात पहले करी ली है अब सीड रेट देख लेते हैं सीड रेट डेपोक के मेथड में लगती है सिक्सटी के जी सीड और यहाँ सीड रेट होता है फाइव के पर हेक्टेयर चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं वट इज द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड राइस यहां बात करी गई है हाइब्रिड राइस के बारे में तो हाइब्रिड राइस की जो सीड uh, रेट होता है वो होता है फिफ्टीन टू ट्वेंटी के जी पर हेक्टेयर फिफ्टीन टू ट्वेंटी के जी पर हेक्टेयर अब देखो सीड रेट की बात कर रहे हैं तो uh, जितने भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं सब में हमारी अलग अलग सीड रेट लगती हैं जैसे जनरली जो हम यूज़ करते हैं फिफ्टी टू सिक्सटी के जी पर हेक्टेयर और डायरेक्ट सीडिंग कर रहे हैं तो एट्टी टू हंड्रेड के जी पर हेक्टेयर हाइब्रिड राइस का मैंने बता भी दिया पहले फ़िफ्टी टू ट्वेंटी के जी पर हेक्टेयर एस आर आई का भी हमने डिस्कस कर लिया है डेपोक का भी डिस्कस कर लिया है तो आप यहाँ पर जो हमारे चार टाइप के हैं एक तो जनरल हो गया एक हाइब्रिड राइस का डेपॉक और एस आर आई इन चारों का आप जरूर याद रखिएगा ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट डॉआर वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन द वर्ल्ड इज़ सो हेयर द राइट आंसर इज टी एन वन तो टी एन वन इज़ द फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन द वर्ल्ड यहाँ अदर ऑप्शंस भी हैं जैसे आई आर एट इसको बोला जाता है मिराकल राइस इन द वर्ल्ड और जया इसको बोला जाता है मिराकल राइस इन इंडिया ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर बॉइलिंग ऑफ राइस कंजर्व विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन जो पर बॉइलिंग एक टेक्निक होती है इन राइस या एक प्रोसेस होती है जिसके तहत कौन सा विटामिन कंजर्व किया जाता है तो इसका सही आंसर है विटामिन बी ट्वेल्व मैं बता देता हूँ पर बॉइलिंग के बारे में पर बॉइलिंग में क्या करते हैं जो आ, राइस है उसकी जो एल्यूरोन लेयर होती है उसमें जितना भी विटामिन बी टॉल होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है इन राइस ग्रेन चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं राइस इन फ्लोरेसेंस इज़ नोन एज ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया इसका सही आंसर है पेनिकल अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज़ नोन एज ग्रीन सुपर वैरायटी यहाँ पर आपने देखा है आई के बारे में आपको पता ही है मेराइकल राइस कहा जाता है तो यहाँ इसका सही आंसर है आर एस एट्टी एट इसको बाद याद, याद रखिएगा ग्रीन सुपर वेराइटी चाइना की है आर एस एट्टी एट चलिए क्वेश्चन पर आते हैं हाईएस्ट एंड लॉस इन राइस फील्ड इज कॉज्ड बाय विच प्रोसेस तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन बी तो डी क्या होता है अगर कहीं अनएरओबिक कंडीशन है तो वहाँ जो नाइट्रोजन होगा वो क्या कर जाएगा डी हो जाएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं एक्ोजी डिजीज इज कॉज ड्यू टू इसका सही आंसर है एच टू एस टॉक्सीसिटी टिटी होगा इधर एच टू एच टॉक्सीटी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरा ए टाइप ऑफ रिले क्रॉपिंग फॉलोड इन राइस फेमस एट विच स्टेट तो यहां बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं इसका सही आंसर है सी बिहार एंड वेस्ट बंगाल बिहार एंड वेस्ट बंगाल में इसको कहा जाता है पैरा और एक दूसरा नाम है उटेरा तो उटेरा जो है यह कहा जाता है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ ये दोनों सेम टाइप है रिले क्रॉपिंग जिसको हम बोलते हैं राइस के केस में इसमें क्या करते हैं जो राइस है राइस की जो अभी हार्वेस्टिंग हुई नहीं है उसके हार्वेस्टिंग से लगभग दस या पंद्रह दिन पहले हम इसमें स्विंग कर देते हैं लेंटिल टील लैंड या लेथाइरस की तो उसको कहा जाता है रिले क्रॉपिंग अगले क्वेश्चन पर आते हैं मेराकल राइस ऑफ इंडिया ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आंसर है जया द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई आर एट वेराइटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस्ड बाई बीचेल ये आपको याद रखना है कि किसने इंट्रोड्यूस किया थी आई आर एड वेराइटी इसका आंसर होगा बीच एल देखो एक क्वेश्चन तो यही निकल गया तो बताना है कि ये क्रॉस किस किस के बीच में है ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें सही आंसर है डी डी जी ओ वुजैन क्रॉस बिटवीन पेटा उसका सही आंसर यही है कि डी जी वुजैन और पेटा के बीच में क्रॉस करके आई आर एड बनाया गया है यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि क्रॉस प्लोइंग ऑफ यंग क्रॉप फोर टू सिक्स वीक्स आफ्टर सोइंग विथ लाइट कंट्री प्लो इज नोन एज इसका सही आंसर है प्यूसनिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया Also फेमस एज मिस्टर राइस ऑफ इंडिया हु इवॉल्व पूसा बासमती वन variety। तो आप आप में से बहुत लोगों के लिए नया क्वेश्चन होगा पर मैं बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इंडिया की बात हो रही है कि फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया इसका सही आंसर है प्रोफ़ेसर ई ए सिद्दकी ये आपको याद रखना है प्रोफेसर ई ए सिद्दकी यहाँ एक ऑप्शन है जी एच खुस तो जी एच खुस हैं हमारे फादर ऑफ़ सुपर राइस और ये जो दूसरा ऑप्शन है एस नागराजन ये हैं हमारे फ़ादर ऑफ़ सुपर वीट तो तीन ऑप्शन आपको यहाँ याद रखने हैं पहला ऑप्शन है जी एच खुस फादर ऑफ़ सुपर राइस दूसरे हैं एस नागराजन फादर ऑफ़ सुपर वीट और तीसरा है प्रोफेसर ई ए सिद्दकी ये हैं फादर ऑफ़ हाइब्रिड राइस इन इंडिया अगर यहाँ क्वेश्चन होता फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन द वर्ल्ड वर्ल्ड की बात चलती तो यहाँ आंसर होता है यू लॉन्ग पिंग अगला क्वेश्चन है फाल्गुना वेरायटी इज डॉल एंड टू ये अधिकतर एग्जाम्स में आता है आपको इसका आंसर भी आता होगा आंसर है एफ ई टॉक्सीसिटी इसके रेसिस्टेंट है फाल्गुना वेरायटी तो यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एफ ई टॉक्सीसिटी का दूसरा नाम क्या है अगर आपको इसका आंसर आता है तो प्लीज़ अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन अवर कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया इंडिया की बात करी जाती है इंडिया में जो पहला हाइब्रिड है वो है सी ओ आर एच वन सी ओ आर एच वन इज़ द फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं okay. जया है हमारा मेराकल राइस इन इंडिया दूसरा ऑप्शन जो है पी आर एस टेन ये है फर्स्ट बासमती राइस हाइब्रिड वैरायटी इन द वर्ल्ड अगले क्वेश्चन पर आते हैं किलर डिजीज ऑफ राइस इज़ ऑप्शंस है बैक्टीरियल ब्लाइट टुंगरो वायरस ग्रासी स्टंट वायरस तो यहाँ इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी बैक्टीरियल ब्लाइट और टुंगरो वायरस दोनों को किलर डिजीज ऑफ राइस के नाम से जाना जाता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग राइस इज टॉलेंट टू सेलिनिटी सेलिनिटी के टॉलेंट कौन सी वराइटी है ऑप्शंस है अहू बाउ लूनिसरी या ऑल ऑफ द अबाउ इसका सही आंसर है लूनिसरी वैरायटी लूनिसरी वैरायटी एक सुपर राइस की वैरायटी है जो कि टॉलरेंट है सैलिनिटी अदर ऑप्शंस को देखें तो अहू जो है वो टॉलरेंट है ड्रॉट कंडीशन के ड्रॉट कंडीशन के टॉलरेंट है अहू और जो भाऊ वैरायटी है यह है टोलेंट टू सब कंडीशन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती राइस इन द वर्ल्ड हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया है इसका सही आंसर है पी चलिए अगला क्वेश्चन है इंगो इंगोपोर्ट्रिकस एंड बेयर यूज विच सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटा कैरोटीन इन राइस जीनोम हेयर द ऑप्शंस आर डेफोडिल डी एन ए सेकेंड इज बैक्टीरिया डी एन ए सी कैरट डी एन ए या डी बोथ ए एंड बी आपको पता ही होगा कि uh, जो हम बात करते हैं गोल्डन राइस की गोल्डन राइस इज रिच इन बीटा कैरोटीन और विटामिन ए देखो बीटा कैरोटीन होता है प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए तो इसको बनाने में जो दो साइंटिस्ट थे इंगो पॉट्रिकस और पीटर बियर इन्होंने कौन से डीएनए यूज़ किया था तो यहाँ इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी डेफोडिल का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए दोनों को यूज किया था फॉर प्रोडक्शन ऑफ बीटा क्रोटीन इन गोल्डन राइस ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वीट रिजेंबल्स राइस सीड आपको पता ही होगा ये दोनों नाम तो आपसे सुने ही होंगे एकाइनोक्लोवा क्रूजगैली और एकाइनोक्लोवा कोलोनम ये दोनों बहुत ही मोस्ट सीरियस वीड है ऑफ राइस अदर ऑप्शन को देखें ट्राइडेस्क प्रोक्यूम्बे रोडवेलिया कॉचिन चाइनेंसिस। तो यहाँ इसका सही आंसर है ड्रॉडवेलिया कॉचिन चाइनेंसिस। तो राइस के इस जो ये वीड है इसके सीड रिजेंबल करते हैं ऑफ द सीड ऑफ राइस सो मूविंग एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फॉल्स स्मर्ट ऑफ राइस इज कॉस्ड बाई हेयर द ऑप्शन आर अस्टिलगोनोइटिव वायरेंस स्क्लेरोशियम ऑराइजी पायरिकुलेरिया औरइजी और जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस पैथोवेराइटी औराइजी तो यहाँ इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अदर ऑप्शनस को देखें तो जो पायरिकुलेरिया औरइजी है ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये है ब्लास्ट डिजीज़ का ब्लास्ट डिजीज आपने सुना ही होगा उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पायरिकुलरिया औरइजी और लास्ट जो ऑप्शन है जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस पैथोवेराइटी ओरइजी ये है पैथोजन ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस चलिए अगला क्वेश्चन है उफरा डिजीज़ आपने सुना हो या ना सुना हो पर ये इम्पोर्टेंट है मैं बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट है इसके ऑप्शन हैं सारोक्लेडियम ओराइजी डिटालिकस अंगस्टस हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी या थेनेटोफोरस स्पीसीज तो यहाँ इसका सही आंसर है ऑप्शन बी देखो जो ऑप्शन बी है ये है नेमाटोट तो नेमाटोट जो है वो करता है उफरा डिजीज इसका नाम यहाँ पर मैंने दे रखा है अदर ऑप्शन को देखें तो जो एहलमेंथोस्पोरियम तो औराइजी है यह है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस और जो लास्ट है थेनेटोफोरस स्पीसीज ये सेक्सुअल ये सेक्सुअल स्टेज है हमारे ब्लास्ट डिजीज़ की जो ब्लास्ट डिजीज़ हमने देखी थी पायरेगुलेरिया औराइजी इसकी सेक्सुअल स्टेज को कहा जाता है थेनेटोफोरस स्पीसीज अगले क्वेश्चन पर आते हैं ग्रासी स्टंट वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई इसका सही आंसर है बी पी एच देखो आ, दो चीजें हैं यहां ग्रास स्टेंट वायरस ट्रांसमिट करता है बी और जो टुंगरो वायरस है उसको ट्रांसमिट करता है ग्रीन लीफ हॉपर तो दो चीजें आप याद रखना एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर सूट और अनियन लीफ सिम्टम इज कॉज बाय तो उसका सही आंसर है गॉलमिच अगला क्वेश्चन है आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इज लोकेटेड एट ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं इसका सही आंसर है हैदराबाद तेलंगाना देखो इसका जो अर्लियल नेम था वो था डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च अदर ऑप्शंस को देखें तो जो कटक है यहाँ पर है एन आर आर आई यानी कि नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और वाराणसी में एक राइस का इंस्टीट्यूट है चलिए मैं बता देता हूँ कि वाराणसी में कौन सा इंस्टीट्यूट है वो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च साउथ एशिया रीजनल सेंटर आपने यदि तो सुना ही होगा इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट ये का है मनीला फिलिपींस में उसका जो साउथ रीजनल सेंटर है वो है वाराणसी यूपी में अगले क्वेश्चन पर आते हैं ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड राइस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट यानी कि ए ऑन राइस एट हैदराबाद वाज स्टार्टेड इन विच ईयर हेयर द राइट आंसर इज 1965 द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडियल वाटर स्टैग्नेशन लेवर इन वेट कल्टीवेशन इन राइस इज तो यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछा गया है कि आइडियल वाइटर स्टेग्नेशन लेवल कितना होना चाहिए वेट कल्टिवेशन ऑफ राइस के केस में इसका सही आंसर है टू टू फाइव सेंटीमीटर देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई जी आर की प्रिपरेशन कर रहा है आई डब्ल्यू अपॉन सी पी रेशो फॉर राइस इज तो आई डब्ल्यू अपॉन सी पी रेशो राइस के लिए मैक्सिमम होता है तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा वन ये इसका सही आंसर है एंड दिस क्वेश्चन इज इम्पोटेंट हुर प्रिपेरिंग फॉर जे आर एफ प्लांट साइंस द साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेलिटी सी जी एम एस लाइन फॉर राइस इज हेयर द राइट आंसर इज वाइल्ड एबोर्टिव अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई प्रोटीन राइस वेरायटी इसका सही आंसर है हीरा वायटी अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो जलमग्ना है यह है फॉर समच कंडीशन अरुणा वेराइटी इज रेसिस्टेंट टू बी पी एच जिसे हम ब्राउन प्लांट होप्पर कहते हैं इसका साइंटिफिक नेम होता है नीला पर्वता ल्यूगेंस जो सी है ऑप्शन इसका वीएल धान दो दिस इज सुटेबल फॉर हिली रीजन्स हिली रीजन्स के लिए जो राइस है वी धान दो है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉलिसिंग परसेंटेज इन राइस तो मैं बता देता हूँ कि पॉलिसिंग होती क्या है पॉलिसिंग में क्या करते हैं जो राइस की एल्यूरोन लेयर होती है उसको निकाल देते हैं जब हम इसकी पॉलिसिंग करते हैं राइस ग्रेन की तो इसका जो राइट आंसर है वह है टू परसेंट टू परसेंट इज द पॉलिसिंग परसेंटेज इन राइस अदर ऑप्शन को देखें तो यहाँ सिक्सटी सिक्स परसेंट और सिक्सटी थ्री परसेंट दे रखा है सिक्सटी सिक्स परसेंट इज द हलिंग परसेंटेज इन राइस ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वट इज़ द हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस तो उसका सही आंसर होगा सिक्सटी सिक्स परसेंट और जो लास्ट है सिक्सटी थ्री परसेंट दिस इज द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ राइस बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ राइस तो यहाँ तीन चीज़ें हैं एक तो है टू परसेंट विच इज़ द पॉलिसिंग परसेंटेज इन राइस और एक है परसेंट हलिंग परसेंटेज एंड सिक्स थ्री परसेंट इज बायोलॉजिकल वैल्यू अगला क्वेश्चन है बीपीएच नीला पर्वता ल्यूगेंस इंसेक्ट ऑफ द राइस बिलोंग्स टू तो विच फैमिली तो इसका सही आंसर है डेल्फा सिडी। द uh, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आर आर आई विच वॉज अर्न हैल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट विद्याधरपुर कटक उड़ीसा वॉज एस्टेब्लिश इन विच एयर हेयर डी ऑप्शंस आर 1943, 1946, 1965 या 1966 तो इसका सही आंसर है 1946 एक पहले भी क्वेश्चन आया था आ, AICRP AICRIP in rice was started in which year इसका सही आंसर था 1965 पर यहाँ पूछा गया है NRRI ये कब स्टेबलिस्ट किया गया था इसका आंसर है 1946 देखो क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें तो 1943 में आपको पता है एक डिजीज आई थी जिसको हम बोला जाता है बंगाल फेमाइन बंगाल फेमाइन वाइज कॉज बाई हेलमेंथोस्पोरियम और तो उसके बाद क्या किया गया जो सी आर आर आई है कटक में इसको खोला गया 1946 में और 1965 में जो मैंने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर रखा है वो शुरू किया गया, गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्रेसेक इज़ अ करेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ विच डिज़ीज़ इसका सही आंसर है बैक्टीरियल ब्लाइट तो जो क्रिसक है यह आता है सीडलिंग स्टेज ऑफ राइस में ये एक बैक्टीरियल ब्लाइट ही है पर डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जब राइस सीडलिंग स्टेज में होती है तब ये कृषक सिम्टम आता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अकॉर्डिंग टू इरी आई आर आर आई इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वट आर द टोटल नंबर ऑफ स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन राइस क्रॉप आपको पता ही होगा जितने भी अधिकतर पोएसी फैमिली के होते हैं उनमें जो टोटल स्टेजेज होती हैं होती हैं टेन मैं बता देता हूँ किस हिसाब से हमने इसको क्लासीफाई किया है देखो मेन तो तीन तीन स्टेजेस होगी एक हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड राइपनिंग और जितने भी स्टेजेस हैं इसको हमने डिवाइड कर रखा है ज़ीरो टू नाइन तक जैसे ज़ीरो स्टेज वन स्टेज टू अप टू नाइन स्टेज अब जीरो स्टेज में देखें जर्मिनेशन टू तो इमरजेंस तक वन स्टेज सीडलिंग टू स्टेज टिंग थ्री स्टेज स्टेम इलोंगेशन फिर जो फोर्थ स्टेज है यहाँ से शुरू हो जाता है रिप्रोडक्टिव स्टेज जैसे पैनिकल इनिशिएशन टू तो बोटिंग हेडिंग और पैनिकल एक्जर्सन फ्लावरिंग मिल्क ग्रीन स्टेज और लास्ट की जो दो स्टेज है एट टू नाइन ये है राइपनिंग स्टेज ओके दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन एल्फा पिकोलिनिक एसिड टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड इन विच डिजीज ऑफ राइस तो क्वेश्चन ये है अल्फा पिकोलिनिक एसिड जो एक तरीके का टॉक्सिन है एक राइस की कौन सी डिजीज में प्रोड्यूस होता है इसका सही आंसर है ब्लास्ट ऑफ राइस ब्लास्ट ऑफ राइस इज कॉस्ड बाई पेरिकोलेरिया और आइजी देखो इसमें दो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं पहला तो जो हम क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं अल्फा पिकोलिनिक एसिड एंड सेकेंड वन इज पारिकुलरिस तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है और जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी माइकोटॉक्सिन से रिलेटेड है कि ए एंड बी माइक्रोटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस बाय विच पैथोजन तो इसका सही आंसर है हेलमेतोस्पोरियम और आईजी विच कॉस्ट विच कॉस्ट ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस डिजीज अदर ऑप्शन को देखें पहला ऑप्शन है रेजेक्टोनिया सोलेनाई दिस इज द पैथोजन ऑफ सीथ ब्लाइट ऑफ राइस डिजीज थर्ड ऑप्शन यह है बैक्टीरियल ब्लाइट का कॉजल ऑर्गेनिज्म और जो लास्ट है यह है कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ फॉल्स स्मट ऑफ राइस अगले क्वेश्चन पर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ राइस कंट्रीब्यूट्स अबाउट सेवेंटी परसेंट ऑफ टोटल बासमती राइस एरिया इन इंडिया देखो 70 परसेंट टोटल एरिया जितना भी बासमती राइस का एरिया है उसका 70 परसेंट कवर कर रही है ये वैरायटी आपको बताना आंसर क्या है इसका इसका सही उत्तर है पूसा बासमती वन वन टू वन अदर ऑप्शन को देखें ये सारी की सारी बासमती राइस की वराइटी है पूसा बासमती वन देहरादूनी बासमती एंड बासमती टू uh, देखिए ये क्वेश्चन भी अधिकतर एग्जाम्स में पूछा ही जाता है डी हल्ड राइस इज नोन एज इसका सही आंसर है ब्राउन राइस देखो डी हल्ड राइस का मतलब क्या है इसमें से जो इसका लेमा और पेलिया है इसको हमने निकाल दिया है पर जो एल्यूरोन लेयर है राइस की वो अभी प्रेजेंट है इन द ग्रेन ऑफ राइस तो इसको बोला जाता है ब्राउन राइस चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं व्हाट इज़ द जनरल स्पेसिंग कैप्ड इन ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस तो इसका सही आंसर है ट्वेंटी इस टू टेन सेंटीमीटर अगला क्वेश्चन है बायो हर्बिसाइड यूज इन राइस कल्टिवेशन इज इसका सही आंसर है कॉलिगो एग्जाम्स में आता है कि कौन सा बायो हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है इन राइस कल्टिवेशन अब बायो हर्बिसाइड क्या होता है देखो बायो हर्बिसाइड एक तरीके का फॉर्मेशन होता है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड्स चलिए लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज राइस बॉल ऑफ इंडिया यहाँ ऑप्शन है वेस्ट बंगाल पंजाब एम पी एंड छत्तीसगढ़ देखो ये क्वेश्चन मैं इंटेंशनली छोड़ रहा हूँ आपके लिए ताकि आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है सो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल फॉर टूडे होप यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम आवर टू वीडियो इफ यू लाइक आवर वीडियो गिव अ थम्स अप एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियो थैंक यू वेरी मच